ऐसा यही लान है, अगर जब रोजगार ही बंद कर देना तो गरीब आदमी को मारने का ही सिस्टम है और क्या। रोड पड़ा हुआ है जहाँ पर हर इतवार को इतवार बाजार लगाया जाता है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद भी होती है और काफ़ी स्टॉल लगते हैं यहाँ पर गरीबों के, जो अपने यहाँ पर आकर रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की ठीक करिए साहब ने साढ़े बहुत थोड़ा थोड़ा सौदा लाया मल करके आया नहीं भी क्या सौदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका होस्ट सलमान अब्दुल वाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त गुलशन रवि के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया है, ना ही लगाने दिया जा रहा है, यहाँ से आवाम को भगा दिया जाता है। तो अब आइए चलते हैं, लोगों से इसके बारे में पूछते हैं जो यहाँ पर कुछ लोग रेडी पर खड़े हुए हैं अपना स्टॉल लगा के, कि उनकी रोजी रोटी में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, उनको स्टॉल लगाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस आती है उनको भगा दी जाती है। तो लोगों से पूछते हैं इसके बारे में कि उनको कितनी मुश्किल का यहाँ सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के मुश्किल दौर में। वालेकुम जी, आपने स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर? जी जी। तो हुकूमत ने तो हफ्ता इतवार को बंद कर दिया है, तो आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। मेरा बहुत हाल खराब है भाजी, की करिए साहब ने साढ़े बहुत थोड़ा थोड़ा सौदा लाया मल करके आया नहीं भी क्या सौदा। तो इसका नुकसान हो गया आपको? नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो हुकूमत को इसके बारे में अपील क्या करेंगे? हुकूमत को की असं तो बद दुआई दे सकते हैं, हुकूमत को की कह सकते हैं असं। तो इसके लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं हफ्ते इतवार को? गरीब को इससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि उसका खत्म हो गया ना काम, तो बिल्कुल खत्म हमारा हो गया, हम तो बहुत जलील हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आपका मास्क दे रहा है तो लगाया नहीं हुआ आपने? अभी लगा लेते हैं। इसी वजह से वो मना कर रही है वो, कि मतलब लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। सर आप लगा लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक खाली रोड पड़ा हुआ है जहाँ पर हर इतवार को इतवार बाज़ार लगाया जाता है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद भी होती है और काफ़ी स्टॉल लगते हैं यहाँ पर गरीबों के, जो अपने यहाँ पर आकर रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पीछे इन्होंने सन्नाटा कर दिया, लोगों को यहाँ से भगा दिया, लॉकडाउन की वजह से इनको लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आइए यहाँ पर अब उसके अपोजिट लोगों ने यहाँ पर साइडों गलियों पर छोटे छोटे अपने बनाए हुए स्टॉल लगाए हुए जो वो काम कर रहे हैं यहाँ पर अपनी रोज़गारी की वजह से। तो आइए चलते हैं इनके इससे पूछते हैं इसके बारे में कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं जब हुकूमत ने इनको मना कर दिया और बेचारे अपनी साइडों पर लगा रहे हैं काम इस तरह। हाँ जी, सब कुछ बंद ही कर दिया यार उन्होंने। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा यार, मैं तो अभी आया। हुकूमत को लाना कि गरीब आदमी को मार देना, गरीब ऐसा तो लान नहीं छोड़ना। हाँ ऐसा यही लाना, अगर जब रोज़गार ही बंद कर देना तो गरीब आदमी को मारने का ही सिस्टम है और क्या। जो सौदा लगाते हैं ना वो वैसे ही वापस लेके जाते हैं, बेच के नहीं जाते। अभी इधर से पुलिस वाले आएंगे डंडे मारेंगे भगा देंगे, उधर से पुलिस वाले आएंगे डंडे मारेंगे भगा देंगे। बाहर बिलने फिर तो आप तंग करते लोग, पुलिस डंडे मारते पर जो किधर जाइए। देखो तो आज लगे ही कुछ भैया, तो आप बंद किया नहीं, पैसे खोलो जी सामने पैसे खोलो। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क मैं पुत्र लोन लाया, मास्क लाना मैं। इसी वजह से तो उन्होंने लॉकडाउन किया है क्योंकि लोग इस एसओपी पर अमल नहीं करते। नहीं मास्क लाने हैं अभी नहीं लगाया? हाँ मैं हूँ लाया, मैं मंडी गया हूँ लाया, फिर मैं मास्क लाने रोज भी आ बिने हाँ सी मास्क ला के बिने हाँ सही। तो उन्होंने जो तुआर पर बंद यही धक्के खाने फिर इसी वजह से बंद किया ना कि लॉकडाउन की वजह ये कोरोना की बढ़ने की वजह। अब एसओपी पर अमल नहीं करेंगे तो इसी बात एक्शन लेंगे, उन्होंने इसी बात एक्शन लिया बंद करवाया। बंद हर ब्याह बंद हर ब्याह चल रहे हैं, माडे टोन लगा वो लग रहा ब्याह एहसास हो तो पता होता फिर तो सौदा बिक जाता। हाँ तो अब आप तो कह रहे हो कोई बात नहीं, वही तो बात कर रहा हूँ ना। मतलब आपको टेंशन नहीं है? टेंशन तो कोई बात नहीं, टेंशन सौदा बिकता जाए तो फिर टेंशन का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लोग यहाँ परेशान हाल हैं लॉकडाउन की वजह से और इतवार बाज़ार ना लगने की वजह से बहुत से लोगों को स्टॉल का नुकसान हो रहा है। तो इस पर इनको इतवार बाज़ार लगाना चाहिए ताकि जो बेचने वाले उनको उनका गरीब का भी सर्कट चल सके और जो लोग यहाँ ख़रीदने आते हैं सस्ती चीज़ों के चक्करों में उनको भी बासानी सारी चीज़ें फराहम मिल जाएँ। तो इसी के साथ इस पर हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करें, इतवार बाज़ार को लगाना चाहिए। जब बाकी सारी चीज़ें खुल सकती हैं तो इतवार बाज़ार क्यों नहीं खुल सकता। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।